तो चलिए दोस्तों, 25 मई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस और हरियाणा की टॉप न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश में प्रदूषण कम न करने के कारण किस पावर प्लांट पर जुर्माना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत के थर्मल पावर प्लांट पर। प्रदूषण कम न करने पर CPCB की कार्रवाई। पानीपत थर्मल प्लांट पर 2.70 करोड़ रुपये का लगाया गया हर्जाना। कोरोना वायरस के चलते अब तक प्रदेश में सबसे अधिक मौतें किस जिले में दर्ज की गई हैं? तो ये हुई हैं फरीदाबाद जिले में। प्रदेश में अब तक 64.39% लोग हो चुके हैं संक्रमित। सबसे अधिक मौतें फरीदाबाद में हुई हैं। हर रोज औसतन 41 मामले आ रहे हैं कोरोना के सामने। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। एयर इंडिया की फ़्लाइट से 4 गुना किराया देकर वापस लौटे अपने वतन लोगों ने फिर भी मदद के लिए किया शुक्रिया। लॉकडाउन से पहले बुक कराए गए रेलवे टिकट सोमवार को करा सकेंगे कैंसिल, मिलेगा पूरा रिफंड। आज हरियाणा में कोरोना के कुल 53 नए मामले आए सामने। हरियाणा में कोरोना का कुल संक्रमण 1184 हो चुका है। आज फरीदाबाद में 14, गुरुग्राम में 9 और करनाल में 8 मरीजों समेत 10 जिलों में पॉजिटिव केस मिले हैं। अगले 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। 47 डिग्री तक का तापमान हो सकता है। आज 45 डिग्री का तापमान नारनौल प्रदेश का रहा है, जो कि सबसे गर्म दिन रहा है। सिरसा में मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। 450 औद्योगिक इकाइयां भी शुरू की गई हैं। 8000 मजदूर लौटे वापस काम पर। एयर इंडिया ने फरवरी में बुक की सभी हवाई टिकटें रद्द, किराया भी किया जाएगा रिफंड। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर लोगों का बढ़ रहा है विश्वास। निजी अस्पतालों की बजाय सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं लोग। सरकारी अस्पतालों में अब वेंटिलेटर की सुविधाएं भी शुरू कर दी गई हैं। आज से जींद, फतेहाबाद, अम्बाला, रोहतक और कैथल सहित कई रूटों पर बस दौड़ेंगी। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में बंद हुए आंखों और दांतों के ऑपरेशन, फ्लू OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या। स्टॉक जांच के नाम पर प्रदेश की 22 में से 10 मंडियों की खरीद हुई बंद। आज भिवानी से 3200 मजदूरों को लेकर अररिया और कटिहार के लिए रवाना हुई 2 स्पेशल श्रमिक ट्रेनें। प्रदेश में बसों में काम कर रहे चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य की होगी लगातार जांच। अस्पताल से गायब हुए चंद्र प्रकाश कथूरिया, उनकी पत्नी बोली, नहीं दे सकते अभी कुछ बयान, काफी स्ट्रेस में है वे। राजस्थान बॉर्डर पर पहुंचा टिड्डी दल, कृषि विभाग ने जारी किया परामर्श। यमुनानगर से बिहार के लिए 3 ट्रेनें हुई रवाना, 4600 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया उनके घर। तो ये थी दोस्तों आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2020 के लिए हरियाणा की किस पंचायत को चुना गया है? तो आप में से किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, यह है काहानोर, इसे चुना गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी को कहाँ पर बनाया गया है? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।